असलम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आप लोगों के लेके आया हूँ वो है रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास। ये रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास फोटोशॉप बिगनर्स सीरीज़ की जो मेरी क्लासेज चल रही हैं, ये 25th नंबर क्लास है। और ये क्लास मैंने प्लान किया कि काफ़ी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान किया है कि रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट और वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको जो है क्लासेस दूं। तो चलें चलते हैं इस क्लास की तरफ। फॉर एग्जांपल, ये हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया है और लेयर्स का मेन्यू ये हमारे पास ओपन हो गया है। इसमें मैंने जो है ना एक बॉक्स लगा लिया है, और इस बॉक्स में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इमेज आ जाए कोई। तो ये इमेज मैं ले आता हूँ, जब मैं इसको इमेज को पकड़ के ड्रैग करूँगा और इस जगह पे लेके आऊँगा, तो आप इस इमेज को देख सकते हैं फुल जूम करके भी और हर तरह से कि ये इमेज जो है ना हाई रेजोल्यूशन इमेज है। लेकिन जब मैं इस इमेज को पकड़ के लेके जाऊँगा कि मैंने जो है ना उस बॉक्स में लेके जाना है, तो मैं इसकी ओवरऑल सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली और कंट्रोल जे मैंने कर लिया। कंट्रोल जे करके मैं इसको बॉक्स पे ले आता हूँ। जब मैं इसको बॉक्स पे लेके आऊँगा और इसका मैं साइज़ इसको छोटा कर देता हूँ, और यहाँ तक इसका साइज़ मैं कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज इतने साइज़ की हो गई। अगर मैं इसे छोटा और करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कर दिया। लेकिन जब मैं इस इमेज का साइज़, जैसा कि मैंने आपको समझाया इस जगह पे जाके कि इस इमेज को जूम करके देखें, तो इसकी डिटेल्स एक एक चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन जब हम इसको ड्रैग करके इस जगह पे अपने आर्टवर्क पे लेके आए हैं और इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा बड़ा साइज़ करने की कोशिश करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं ये पिक्सल रेट हो गई है इमेज। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि फोटोशॉप एक रास्टर बेस है और पिक्सल से मिल के आपकी इमेज बनती है, तो जिसकी वजह से ये पिक्सल रेट हो रहा है। तो रास्टर की क्लास का यही मकसद था मेरा कि जो है ना कि आप लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाएं कि आपने कैसे किस तरह किसी भी इमेज को पकड़ कर आपने अपने आर्टवर्क में ला सकते हैं और वो पिक्सल रेटेड कोई बगैर आपके सामने आ जाए। जैसा कि ये हाई रेजोल्यूशन थी और अभी इसकी हालत ये देखें, ये कैसी बन गई हालत, क्योंकि इसको स्मॉल साइज़ किया तो इसको फोटोशॉप ने समझा के जो है इसको हमें स्मॉल साइज़ में चाहिए, तो इसने इसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम बनी कि हम लोग जो है सब डिटेल्स ख़त्म हो गई और ये पिक्सल रिलेटेड हो रही है इमेज। तो इस चीज़ से बचने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किए कि जो है आप काइंडली ये बता दें कि हम लोग इमेज लेके आते हैं तो वो पिक्सल रेटेड हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये क्लास रास्टर क्लास और वेक्टर क्लास के बारे में मैंने सोचा कि ये भी मैं बिगनर सीरीज़ में डालूं। तो ये इमेज थी हम लोगों के पास, ये ओरिजिनल इमेज थी, मैं दोबारा से इसको इस जगह पे लेके आता हूँ। तो इस क्लास का जो मकसद था वो अभी इधर से शुरू होगा। तो ये इमेज हमारे सामने आ गया, और अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं कि ये पिक्सल रेटेड ना हो, तो मैं इसको राइट क्लिक जस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको जस्ट राइट क्लिक कर लिया, तो मैंने इसको जो है कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये इधर आपके पास डिलीट लेयर्स के नीचे ऑप्शन आ रही होगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बना देगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मीन्स PSV में बना देगा। जो आपकी फोटोशॉप फाइल सेव होती है वो होती है PSD में फाइल सेव, और PSV का मतलब ये है कि ये जो है इसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देगा। और अगर आप जब PSD में भी इसको सेव करेंगे तो ये एज ए PSV सेव होगी, तो आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। उसी तरह मैं इसको कंट्रोल टी में करता हूँ, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मैं इसको करता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ साइज़ को, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं छोटा कर सकता हूँ मैं इसको छोटा कर देता हूँ। लेकिन अभी इस वक्त मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटा हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं साइज़ बड़ा करना है यार, तो इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह हाई रेजोल्यूशन में है। यही फ़र्क है कि आप एक आम इमेज को और एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट इमेज में क्या डिफरेंस है। इस एक आम इमेज होगी उसका रेजोल्यूशन भी आपके पास कम होगा, और जो इसमें इसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेव करूंगा, इसको PSV सेव करूंगा या एज ए इमेज सेव करूंगा, तो इमेज का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और फाइल का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने उसके अंदर एक हाई रेजोल्यूशन इमेज रखी हुई है। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट करके दूसरी तरह कन्वर्ट कर दूंगा, इसको रेस्टराइज लेयर कर दूंगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ख़त्म कर दूंगा, तो फिर
साइज भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने इमेज लेके आनी है उसको छोटा बड़ा करना है, या आपने फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने इसका कोलाज बनाना है, सिंपल सा मैं कोलाज बनाता हूँ, मेरे पास 3-4 इमेजेस हैं कैमरे की, ये एक इमेज मैं ला के रख देता हूँ, रख दी, और बाकी ये इमेजेस और भी हैं मेरे पास, इन सब को मैं सिलेक्शन करके इसको फोटोशॉप पे इस जगह पे ला के रख देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, ये सब हमारे पास एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गई हैं इमेजेस। तो इसको बड़ा या छोटा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, इसको बड़ा करें या आप छोटा करें। तो इसको मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कोलाज जिस तरह भी, सिंपल सा मैं कोलाज बना रहा हूँ एक ज़्यादा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी इमेजेस में क्या डिफरेंस आ जाती है। ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही थी तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो ये लास्ट इमेज जो हमारे पास आ रही है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। तो ये हमने एक कोलाज, सिंपल सा कोलाज बना लिया है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग जो है ना, इसको बड़ा छोटा करना है, इमेजेस को कुछ भी करना है, यही चीज़ अगर हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली फाइल नहीं यूज़ करेंगे तो उससे क्या मसला बनेगा। मैं इसको राइट ओवरऑल सिलेक्शन करके ये भी एक कंट्रोल जे कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कॉपी आ जाए स्मार्ट लेयर्स की। तो इनको मैं हाइड कर देता हूँ और इन सब को राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर देता हूँ। रेस्टराइज लेयर करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ साइज में, इसको भी छोटा कर देता हूँ साइज में, इसको भी छोटा कर देता हूँ। ये अभी इस वक्त हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है ये इमेजेस। फिर इसको मैं कंट्रोल टी करके जब इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लर होने शुरू हो गई है। ये उस तरह की इमेज रेजोल्यूशन में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जब आप इस जब भी किसी चीज़ में आपने यूज़ करना है तो आपने एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तभी मैं आपको ये क्लास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मैं कह रहा था, जब भी आपने यूज़ करना है इसी तरह ही यूज़ करना है, एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये चीज़ आपकी जो डिटेल्स हैं वो ख़राब नहीं होगी, और चीज़ आपकी इमेजेस ब्लर कभी नहीं होगी जब आप उसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ओवरऑल को, और जो हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट इमेजेस थी उनको मैं ओवरऑल छेड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के ये सब इमेजेस मैं साइड पे इसको इधर ही रहने देता हूँ। मैं ये वाली जो फर्स्ट इमेज हम लोगों के सामने आ रही है SLR कैमरे वाली, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँ, ब्रश के थ्रू करूँ या किसी भी तरह करूँ। तो जब मैं इसको ब्रश पे सिलेक्ट करूँगा और जब मैं इस जगह पे लेके आऊँगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कर्सर में हमारे सामने आ रहा है कि आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक इस पे जस्ट करेंगे और डोंट शो दिस अगेन एंड ओके करेंगे तो ये एक न्यू पैनल पे खुल जाएगी। फिर जब न्यू पैनल पे ये खुल जाएगी तो आप इस पे एडिशन कर सकते हैं। एग्जांपल मैं इसमें लिख रहा हूँ आर्टिस्टिक मेंटोर, आर्टिस्टिक मेंटोर मैंने इस पे लिख लिया, और मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इसी इमेज में सेव हो जाए और ये जो है हमारे पास इस जगह पे भी आ जाए। तो जस्ट ये याद रखना है आपने कि जो है ना, कि हमने इस पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर पे क्लिक किया तो हमारे पास एक और न्यू से उसने मेन्यू खोल दिया कि आप जो है ना इसमें अब एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप इसी में ही रह के अगर करना चाहेंगे तो ये इट्स इम्पॉसिबल। तो इसमें ये मैंने इमेज कर लिया, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ई करके मैं इसको ओवरऑल मर्ज कर लूँगा और कंट्रोल एस करूँगा और सेव एज ए जेपैक कर लूँगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू मैं करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब कि वो वाली लेयर ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं उस लेयर पे हमने काम किया तो ये हमारे सामने आ गया है आर्टिस्टिक मेंटोर, इस जगह पे लिखा आ गया है। अगर आप दूसरी लेयर्स को भी देखना चाहते हैं, मैं इस पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर लेता हूं और इस पे मैं चाहता हूं कि यार मैं इस पे लिख देता हूं जवाद यूनस, जवाद या सिंपल लिख देता हूँ, मैंने इस पे जवाद लिख दिया, इस पे मैंने इस जगह पे जवाद लिख दिया और कंट्रोल शिफ्ट ई करूँगा, ये मर्ज हो जाएगी हमारे पास लेयर, और कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा और इसको एज ए जेपैक कर लूँगा। जब मैं इसको देखूँगा तो ये हमारे सामने इस जगह पे भी चेंजेस आ गए हैं। तो ये अभी तक एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और अगर आप चाहेंगे इसको छोटा बड़ा करेंगे
तो कोई मसला नहीं इसको बनेगा, क्योंकि ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप इमेजेस लेके आते हैं और आप उस इमेजेस पे काम करना चाहते हैं, तो आपने उसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, ताकि आपको साइज बड़ा या छोटा करने से किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अदरवाइज अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम आएगी कि आपकी इमेजेस ब्लर हो जाएंगी और डिटेल्स किसी भी तरीके से उसकी डिटेल्स नहीं आ सकेंगी। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जाके मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा मैंने क्लासेस डिफरेंट अपलोड की हुई अपनी प्लेलिस्ट पे, तो आप उधर से जाके क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब दें, इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।